दोस्तों यहाँ पर सलार मूवी के ऊपर जो है वो एटली कुमार का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर एटली कुमार बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि सलार ने तो आग लगा दी है, और इसी के साथ यहाँ पर ये जो मूवी है ये यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मूवी भी होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन के उधर ओपनिंग डे के ऊपर काफ़ी बड़ी कलेक्शन करने वाली है सलार। और कहीं ना कहीं दोस्तों फैंस को जो कि सलार मूवी की इस बहुत ही बड़ी ओपनिंग की कितनी कलेक्शन करती है ये जो कि पता करने के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनते हुए देखने को मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं उस हिसाब से ये लगाया जा रहा है कि पता कि भाई साहब सलार मूवी जो है वो हमको 150 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन करती हुई दिखाई दे सकती है वर्ल्ड वाइड। अब दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आप खुद अब अंदाजा लगा लें कि क्या सिनेरियो होने वाले हैं। अभी तक जो है वो यहां पर सलार मूवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहां पर भाई साहब इतनी बेहतरीन कलेक्शन करती हुई देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर लगभग जो है वो यहाँ पर अभी डे की इंफॉर्मेशन के हिसाब से पता चला है, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सलार ने अभी तक 46 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन कर ली है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। ओवरसीज की अभी तक नहीं बताई जा रही है, जब ओवरसीज का पता चलेगा तो हम बता देंगे कितनी है, लेकिन अभी ओवरसीज का मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या जो है वो यहाँ पर कलेक्शन आने वाली है। लेकिन आज शाम तक जो कि हमको पता चल जाएगा, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद हम जो कि सबसे पहले आपको पता कर देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी बनता है क्योंकि, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर एक जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर बात की जाए मूवी की तो भाई साहब मैंने मूवी देखी है, इतनी आतंक मूवी है, मतलब कि आप अगर देखोगे ना, मतलब कि आप इंटरवल से लेकर लास्ट तक या फिर स्टार से लेकर इंटरवल तक एक मिनट भी बोर नहीं होने वाले हो, इतनी मस्त और इतनी अमेजिंग मूवी है। प्रशांत नील ने भाई साहब क्या जो कि काम किया, ये जो कि KGF 2 से भी कहीं गुना बेहतर, KGF 2, जवान, पठान सब मूवी से कहीं ज्यादा जो कि आगे की तरफ जाती हुई नेक्स्ट लेवल जो कि हमको सीन्स देखने को मिले हैं। ये जो कमबैक दिखाई दे रहा है प्रभास अन्ना का, वैसा जो कि भाई साहब मुझे तो नहीं लगता है किसी ने भी कमबैक किया है। आपको क्या लगता है ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो मूवी थी भाई, मतलब कि एंड लेवल परफॉर्मेंस की गई है इस मूवी के अंदर, जो VFX से लेकर मतलब कि एक एक चीज लेवल है लेवल प्रशांत नील का। अब देखते क्या सिनेरियो होते हैं। वैसे आपने अगर देखी है तो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो एंट्री यहाँ पर देवा की हुई है, मतलब कि देवा रे देवा प्रभास ने तो भाई साहब आग लगा दिया है। अब देखते हैं क्या सिनेरियो होते हैं, कैसी कलेक्शन कर सकती है, जवान और पठान को पीछे छोड़ेगी या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई साहब आपको क्या लगता है सलार कैसी कलेक्शन करके दिखाएगी हमको। बाकी ओपनिंग डे के ऊपर कमाल कर दिया है सलार मूवी ने। अब देखते हैं क्या सिनेरियो, वैसे आपका क्या ख्याल है क्योंकि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये छोटी सी वीडियो थी सलार के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और यहाँ पर सलार डंकी या फिर आने वाली किसी बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री की मूवी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे।